भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह के लिए आज ट्रिपल डोज पनौती का इंजेक्शन लग गया है। एक पटना के गांधी मैदान से, दूसरा देश के किसान से, दोनों तरफ से हुंकार, ललकार और जयकार का नारा जोर शोर से गूंज ही रहा था कि तीसरा पवन सिंह के इनकार से एक और इंजेक्शन लग गया। जी हाँ, किसानों ने आंदोलन को लेकर बड़ा ही जबरा ऐलान कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि या तो अपनी बात मनवा कर लौटेंगे या फिर बड़े बड़ों को घर तक पहुंचा कर लौटेंगे। दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव गाना गाते हुए नजर आए, तो गाना गाने वाले पवन सिंह भाजपा को झटका देकर इनकार करते हुए नजर आए। लालू यादव ने कह दिया कि मोदी हिंदू ही नहीं है, उनका अपना परिवार नहीं है। तो राहुल गांधी ने कह दिया कि देश में बदलाव की शुरुआत बिहार से ही होती है, जब बदलाव होना होता है तो बिहार में तूफान आ जाता है। और पटना के गांधी मैदान में आज इस तरीके की भीड़ देखने को मिली, वो किसी तूफान के आने की आहट का संकेत देती है। महागठबंधन के जनविश्वास रैली में किस नेता ने क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी को हवा में हाथ हिलाते हुए तेजस्वी यादव ने किन सवालों पर कैसा जवाब दिया, किस तरीके से नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने चाचा चाचा बोलकर सहलाते हुए आड़े हाथों लिया, सबकी महत्वपूर्ण बातें बेहद कम शब्दों में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही पवन सिंह का मैटर बड़ा दिलचस्प हो चुका है, इनके मामले पर कुछ विशेष चर्चा की जाएगी। आप सभी हिंदी भाषी राज्यों के दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि पवन सिंह के मैटर पर जरा ध्यान से बातों को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। कारण से हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यू आर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। पटना का गांधी मैदान आज इंसानों से पटा हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि यहां पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी भारी भीड़ थी। समर्थक हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ सब कुछ लेकर पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी और समर्थक इतने उतावले थे कि नेताओं के भाषण से ज्यादा मंच से आरजेडी सांसद मनोज झा लगातार भीड़ को काबू करने में ही लगे रहे। कहीं समर्थक टावर के ऊपर चढ़ जाते तो कहीं पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते, कहीं बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस जाते तो कहीं बांस बल्ली पर लटक कर अपने नेता का दीदार करने लगते। इस दौरान लालू यादव ने पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी परिवारवाद पर बोलते हैं लेकिन उनके पास तो परिवार नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है। हिंदू होते तो मां की मौत के बाद उन्होंने अपनी दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाया। मोदी केवल देश में नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी देश में बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू हो जाता है। बिहार देश की राजनीति की नर्व सेंटर है। प्रधानमंत्री मोदी केवल 2-3 लोगों के लिए ही काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ नफरत, हिंसा और लोगों को बांटने की राजनीति है, दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान है और समाज के हर एक वर्ग के लिए सम्मान है। महागठबंधन की इस रैली में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, केसी वेणुगोपाल सहित बहुत सारे नेता शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ जुट गई कि शहर के ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ गया। सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने की भी खबरें सामने आई। इस महारैली में तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा कि बताइए, सबसे पहले बिहार में 10 लाख नौकरी देने की बात किसकी जबान से निकली थी। साल 2020 में जब मैंने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी तो हमारे चाचा नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके तनख्वाह देगा क्या। बताइए, जो लोग 17 साल तक सरकार में रहे वो आपको रोजगार देने की बात पर ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे, लेकिन हमने 17 महीने की सरकार में ही इसी मैदान से 2 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा और आज हमारे चाचा इधर उधर पोस्टर लगवा रहे हैं। चाचा पलट गए, हमारे अपने हैं, बुजुर्ग हैं, जहां रहे सुखी रहे। रोजगार के मसले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ही हैं जिन्होंने 17 महीने के भीतर 5 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मुझसे पूछा गया कि अपने पिता के नाम और काम का जिक्र नहीं करते, तो मोदी जी सुनिए, आज मैं जवाब देने आया हूं। ये भीड़ देखिए, मेरे पिताजी ने रेलवे को मुनाफा दिया, 3-4 फैक्ट्री लगा दी। आपने किसको मुनाफा दिया? आपने रेलवे का निजीकरण किया। मेरे पिता ने गरीबों को अधिकार दिया। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने एक गाना भी सुना दिया, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां कब किधर चला, फिसल गया। इस कार्यक्रम में लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव आपसे पूरे बिहार में घूमकर यही अपील कर रहे थे कि 3 तारीख को गांधी मैदान में आइए, पापा ने बुलाया है, आप आए, खुशी है। हमने पिछड़ों और दलितों के लिए मेहनत की है और करना है। 1990 में लोकतंत्र में वोट के अधिकार से गरीबों को दूर रखा जा रहा था, हमने गरीबों को ताकत दी। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए मंडल कमीशन लागू कराया, जिसका नतीजा हुआ कि आज कोई बड़ा आदमी गरीबों को आंख नहीं दिखाता। मोदी ने देश की जनता को ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी। मैंने भी 7 बेटी 2 बेटा,
पति पत्नी का खाता खुलवाया कि करोड़ों रुपया बैठे बिठाए घर में आ जाएगा, लेकिन मोदी ने ठेंगा दिखा दिया। नीतीश के मामले पर लालू यादव ने कहा कि हमने उनसे कोई गाली गलौज नहीं की, बस यही कहा कि पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए, लेकिन दोबारा गलती कर गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को बर्बाद करने में मोदी जी लगे हुए हैं, वो बार बार मोदी की गारंटी बोलते हैं, उनकी गारंटी क्या है मैं बताता हूं। 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, क्या उन्होंने नौकरी दिया? काला धन लाकर 15 लाख देने की बात उन्होंने कही थी, क्या किसी को मिला? मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी और बिहार ने ठान लिया तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया था, बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि यहां 40 हराओ भाजपा हटाओ। कुल मिलाकर यूपी बिहार के लोग मिलकर 120 हराओ भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ संविधान के रक्षक हैं, दूसरी तरफ संविधान के भक्षक हैं। डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी, खुशी है कि तेजस्वी ने नौकरियां दी। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ने बिहार में 3 लाख लोगों को नौकरी दी, अगर 10 लाख नौकरियां मिल जाती तो कितने परिवारों का भविष्य बदल जाता, सोचिए। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि लालू के राज में गरीब रैली और लाठी रैली हुआ करती थी तो दिल्ली तक आवाज जाती थी, अब एक बार फिर से रैली हुई है, जब भी पटना से आवाज निकलती है इंद्रप्रस्थ में सत्ता बदलती है, ये एक शुभ संदेश है, इसकी आवाज पूरे देश तक जाएगी। एक तरफ से बेरोजगारी, दूसरी तरफ से महंगाई, वो लोग कट्टरपंथी हिंसावादी नफरतवादी हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं, अब अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगा तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल की जगह बुलडोजर कर देना चाहिए, अब देश में बुलडोजर राज नहीं चलेगा। ये सरकार अंबानी अडानी के सामने कालीन की तरफ बिछ जाती है, लेकिन जब किसान दिल्ली आना चाहते हैं तो सड़क पर कील ठोक दी जाती है। डी राजा ने कहा कि बिहार बचना चाहिए, बीजेपी हटनी चाहिए, इन्होंने भी 15 लाख का जुमला और झूठे वादे याद दिलाए। तेजस्वी ने कहा कि मेरे चाचा तो पलटी मार रहे हैं, मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, मोदी जी ने न कोई कारखाना दिया न नौकरी दी, विशेष राज्य का दर्जा क्या देंगे, गोबर को गाजर का हलवा बताकर भाजपा के लोग परोस देते हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि कान खोल कर सुन लीजिए मोदी जी, मेरे पिता लालू यादव ने ऐतिहासिक काम किया था, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में रेलवे को दिलाया था, जिस रेलवे को आज तक मुनाफा नहीं हुआ वो काम लालू यादव ने करके दिखाया, 10 साल में आपकी सरकार में रेलवे कितना मुनाफा कमा पाई है जरा बताइए प्रधानमंत्री मोदी। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बताया, उन्होंने कहा कि लोग राष्ट्रीय जनता दल को माई की पार्टी कहते हैं, मैं कहता हूं ये बाप की पार्टी है। आरजेडी का मतलब आर से राइट्स, जे से जॉब्स और डी से डेवलपमेंट। मेरे पिता न भाजपा के सामने कभी झुके हैं न झुकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने एक उद्योगपति के हाथ में सारे के सारे एयरपोर्ट्स डिफेंस पकड़ा दिए हैं, आपके लिए कुछ नहीं बचा है। इस देश में कितनी पिछड़ी आबादी है, 50% ओबीसी, 15% एससी, 8% एसटी, यानी 73% है, लेकिन 73 उद्योगपतियों की लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, एक भी नहीं मिलेगा, सभी बेरोजगार हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लालू जी को भी बोलना है, हम बीजेपी आरएसएस से नहीं डरते, हम देश के लिए लड़ते हैं और मरते हैं। हवा में हाथ भांजते हुए तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से बिहार में बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पटना के गांधी मैदान में जुटी यह भीड़ राजनीति के बड़े बड़े चालकों की चुटिया गर्म कर रही है। लोग चर्चा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी पलटी मारने के बाद बिहार की जनता भी इस तरह से पलटी मारती हुई दिखेगी। धन और संसाधन की बात करें तो आज की तारीख में कोई भी विपक्षी पार्टी भाजपा की तुलना में नगण्य मानी जा सकती है। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थिति तो यहां तक आ गई है कि जनता से पैसे मांगने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सत्ता कांग्रेस के खातों को सीज कर देती है, और तो और कांग्रेस के खाते से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। हालांकि जनता से चंदा लेना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में राजनीति दल और मीडिया जनता के दम पर चलनी चाहिए, कॉरपोरेट के दम पर नहीं चलनी चाहिए। अगर कॉरपोरेट का दम पर मीडिया चलेगी, राजनीतिक दल चलेंगे, तो कॉरपोरेट सरकार बनेगी, और कॉरपोरेट सरकार बनेगी तो किसानों को चुन चुन कर गोली मार दी जाएगी, सड़कों पर कीले बिछा दी जाएंगी, बेरोजगार नौजवान यदि सड़क पर उतरेंगे तो उन्हें नकली नौजवान कह दिया जाएगा। धन और संसाधन के मामले में भाजपा से मीलों पीछे रहने वाली आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने बिहार के पटना गांधी मैदान में कहीं ना कहीं आज यह संकेत दे दिया कि जनता से बड़ा धन कुछ भी नहीं होता। एक बार यदि जनता ने मन बना लिया तो फिर बड़े बड़े सेठों के धन का थाह लगा देती है, यदि चुनाव में सब कुछ ईमानदारी से रहा तो। आज ही हमारे एक प्रिय दर्शक बिहार से ही फोन करके बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि पिछले दिनों उन्होंने सपना देखा कि वो मेरे साथ कहीं घूम रहे हैं और मेरे पीछे आर्मी लगी हुई है, बड़े घबराए हुए थे, कह रहे थे कि जब से मैंने ये सपना देखा है चिंतित हूं आपकी सुरक्षा को लेकर, बाहर मत निकलिएगा, जनता के बीच मत जाइए, जहां है एक जगह रहकर ही अपना काम करिए। बहरहाल कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पिछले कुछ
सालों में बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से तमाम जांच एजेंसियों से घिरे रहने के बावजूद माहौल तैयार किया है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है लालू का पुराना रुतबा तेजस्वी को देने के लिए बिहार तैयार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को भी धन्यवाद दिया, कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग हमारे साथ रहे, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। पटना के गांधी मैदान की तमाम तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली दरबार में जो लोग किसी भी हद तक उतरने या गिरने को तैयार रहते हैं कुर्सी बचाने के लिए, आज की रात निश्चित ही उन्हें नींद नहीं आएगी। गलती से यदि कभी आ भी गई, अगर झपकी लग भी गई तो फिर बड़े खतरनाक सपने देखेंगे। लोगों के बीच अब चर्चा यह भी होने लगी है कि गुजरात वाली जोड़ी कुर्सी जाने से ज्यादा कुर्सी जाने के बाद की परिस्थितियों को लेकर चिंतित है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक कारनामे किए गए हैं कि यदि उनका 1% भी हिसाब किताब कानूनी तौर पर होने लगे तो फिर बड़े बड़े विश्वगुरु बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर बड़ी बड़ी जेलों में जाते हुए दिख सकते हैं। गांधी परिवार के खिलाफ पिछले 10 सालों से कुछ न कुछ ढूंढने की असीम प्रयास किए गए, लेकिन 10 साल में मनगढ़ंत आरोप और बेबुनियाद बातों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। पीएम केयर फंड से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक, राफेल से लेकर पेगासस तक, नोटबंदी से लेकर पुलवामा तक, ऐसे तमाम कांड हैं कि यदि ये खुलने लगे तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। और आज जो गोदी मीडिया गोदी में बैठकर चालीसा गाता है, उस वक्त वही गोदी मीडिया अपने भगवान को घेरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गोदी मीडिया का यही चरित्र है, चालीसा गाने वाला चालीसा ही गाएगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पांव किसके हैं, भगवान कौन है। जो आज की सत्ता के तलवे चाट रहा है वो कल की सत्ता के भी तलवे ही चाटेगा, और ईमानदारी से काम करने वाले आज भी खतरे में हैं, शायद कल भी रहेंगे। खतरे का लेवल अलग अलग हो सकता है। कुल मिलाकर एक पनौती पटना के गांधी मैदान से दिल्ली को मिली है और दूसरी पनौती दिल्ली के आसपास से ही किसानों ने दे दी है। किसानों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने बठिंडा के सुकरण सिंह की अंतिम अरदास के दौरान मंच से यह ऐलान किया है कि 6 मार्च को देश भर के किसान दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही आंदोलन करेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों से जो किसान आएंगे वो दिल्ली पहुंचेंगे। किसान नेता ने यह भी ऐलान किया है कि 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें रोकी जाएंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 6 मार्च को हरियाणा पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्यों के किसान अपने अपने तरीके से दिल्ली पहुंचे, चाहे वो ट्रेन से आए या फिर पैदल। सरकार एक तरफ कहती है कि किसान ट्रेन और बस से दिल्ली पहुंच सकते हैं, जबकि दिल्ली जा रहे बिहार कर्नाटक के किसानों को पुलिस ने ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट का कहना है कि आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं, जो किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं। आज किसान नेता ने कहा कि आज तक इतिहास में कभी आंदोलन में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, सरकार ने ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले किसानों पर गिराए हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को सरकार ने पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर बना दिया है। उन बॉर्डरों पर तो खाली तार होती है, लेकिन सरकार ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर दीवारें खड़ी कर दी हैं। भारत पाकिस्तान और भारत चीन बॉर्डर पर भी कानून होते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर कोई कानून नहीं है। केंद्र सरकार ने 70,000 फोर्स का इस्तेमाल किया है। किसान आंदोलन के दौरान जिस उपकरण की मौत हुई उनके सिर में धातु के टुकड़े मिले हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने वाले के पिता अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया है। इसे लेकर भी किसान नेता बेहद नाराज है। उनका कहना है कि देश के किसान और मजदूर का अपमान है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये किसानों के घाव पर, किसानों की चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। इस चुनाव में 140 करोड़ की आबादी भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। कहां तो किसान अजय मिश्रा टेनी को पिछले कई साल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे, सत्ता ने नहीं माना। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी को एक बार फिर से टिकट देकर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी क्या विचार रखती है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि अब तक किसान आंदोलन में 8 किसानों की मौत हो चुकी है इस बार वाले आंदोलन में। आइए अब जरा फिर से बिहार चलते हैं, और भाजपा के टिकट की बात आ ही गई है तो फिर पवन सिंह की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सीट से पवन सिंह को टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी कारणवश वे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद पवन सिंह को दिल्ली बुलाया गया। भाजपा ने जैसे ही पवन सिंह को टिकट दिया, सोशल मीडिया पर उनका भोजपुरी में ये गाया हुआ गाना सामने आ गया, बंगाल की हसीना और इसी तरह के कुछ और अश्लील गाने सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने बंगाल की दुर्गा स्वरूप महिलाओं को इस तरह से अपमानित किया हो, उसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ही टिकट दे दिया और बीजेपी ऐसे लोगों को संसद में भेजना चाहती है। इस मसले पर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से रवि किशन का, फटाफट खोल के दिखाओ मनोज तिवारी का, लहरिया लुटा है राजा, दिनेश लाल यादव निरहुआ। इन तीनों में ऐसा क्या था जो पवन सिंह में नहीं है? भोजपुरी के ये चारों खंभे अगर भाजपा में आकर सांसद बन जाते हैं तो महिलाओं का कितना कल्याण कर सकते हैं, बेटी बचाओ का नारा बुलंद कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा भला तो बंगाल आसनसोल की लड़कियों का होता। पवन भैया सालों से उन्हें बिहार में लाकर रोजगार दिलाने के वादे करते रहे। भाजपा को चाहिए कि वो पवन भैया को
बना ले, अभी वक्त है। इसके साथ ही पवन सिंह के इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनसे चुनाव के बारे में कुछ सवाल किया जा रहा है। महिला पत्रकार पूछती है कि चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा, तो पवन सिंह कुछ सेकंड तक सोचते हैं और कहते हैं कि मुद्दा मीन्स समझा नहीं। इसके बाद महिला पत्रकार समझाती है कि जैसे आप बिहार से हैं तो बाहर जाते होंगे, कोई ना कोई समस्या आपने देखी होगी, लगा होगा कि यदि मैं सरकार में आऊंगा, पावर में आऊंगा, तो इस समस्या का निदान करूंगा। इस पर पवन सिंह धीमी डकार लेते हुए जवाब देते हैं कि देखिए, कोई जहां होता है सोचता है कि वहां का विकास हो, और बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, हमसे सिंगिंग के बारे में पूछना हो तो पूछिए, एक्टिंग के बारे में पूछना हो तो पूछिए। फिर से दो चार सेकंड सोचने के बाद पवन सिंह कहते हैं कि विकास तो होगा, ये तो तय है। पवन सिंह का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इन दिनों चुटकी लेने और मजाक उड़ाने का माध्यम बन रहा है, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि पवन सिंह ने बड़ी ईमानदारी से वो कह दिया जो सच है। पवन सिंह ने बता दिया कि उन्हें राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनकी इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज है गाने में, एक्टिंग में, उसके बारे में सवाल करिए तो जवाब देंगे, जवाब दे पाएंगे। भोजपुरी के अन्य गायकों कलाकारों की तरह उल्टी सीधी बातें करके पवन सिंह ने कम से कम बरगलाने की कोशिश तो नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि इस श्मशान घाट पर जलाए जाओगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे रवि किशन की तरह। उन्होंने नहीं कहा कि भगवान की लेखनी को भी मैं पलट सकता हूं निरहुआ की तरह। मेरे दो से अधिक बच्चे हैं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। दिल्ली के लोगों की समस्याएं मोदी जी सुलझाएंगे, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ये मनोज तिवारी की बात है। इस तरह की बातें पवन सिंह ने नहीं की, शायद वो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जोर देकर ये जरूर कहा कि विकास हुआ तो होगा, इतना पता है कि विकास कुछ होता है। पिछले दिनों आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम इस जिले का विकास करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप तो फिल्में में बिजी रहते हैं, शूटिंग करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले हम जाकर शूटिंग किया करते थे, अब हम यहीं पर सारी व्यवस्था कर लेंगे और यहीं शूटिंग करेंगे, समस्या सारी यहीं पर है। जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, गायक हैं, ये अपना धंधा बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो सनी देओल हो, हेमा मालिनी हो, दिनेश लाल यादव हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, ये सब के सब, ये लोग अपने असली धंधे को चालू रखते हुए राजनीति को टाइम पास के रूप में देखते हैं, जबकि इनकी लोकप्रियता को राजनीतिक दल वोटों के रूप में भुनाने की कोशिश करते हैं और भुनाते भी हैं, लगातार भुनाते हैं। फिल्मी कलाकारों और गायकों की लोकप्रियता को लूटने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी आगे है उतना कोई नहीं है। अन्य राजनीतिक दलों में आपको फिल्मों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त उनके भीतर कुछ गुण भी होता है। संपूर्ण निकृष्टता लेकर राजनीति में अन्य पार्टियों में बहुत कम लोग मिलेंगे बीजेपी की तुलना में। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, जिस पवन सिंह को मुद्दा शब्द का मतलब नहीं पता है, जिसको समाज की किसी समस्या के बारे में नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, वो यदि सांसद बन जाएंगे तो क्या करेंगे। पिछले 5 साल से आप रहे हैं कि सनी देओल, हेमा मालिनी जैसे लोग अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सनी देओल के बारे में तो यहां तक बताया जाता है कि पिछले 5 साल में उन्होंने संसद में अपना मुंह तक नहीं खोला, जबकि एक सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है, वो संसद में जाएगा तो अपनी जनता की समस्याओं को उठाएगा, लेकिन वो समस्या कैसे उठा पाएगा जो मुंह तक नहीं खोल पाएगा। फिल्मी पर्दे पर पाकिस्तान में घुसकर हैंडपंप उखाड़ देना अलग बात है, और संसद में जनता के मुद्दों को उठा देना बिल्कुल अलग बात है। चर्चा यह भी चल रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अक्षय कुमार और कंगना रनौत को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, मगर सवाल यह है कि ये लोग संसद में पहुंचेंगे तो किस काम के होंगे, किस काम के होंगे ये। वो कंगना रनौत इस देश को क्या देंगी जिनके अनुसार ये देश 2014 में आजाद हुआ, और वो अक्षय कुमार इस देश के लिए क्या कर पाएंगे जिन्होंने भारत की नागरिकता तक छोड़ दी थी। शायद राजनीति में उतरने की लालसा के कारण ही उन्होंने बाद में पलटी भी मार ली, लेकिन संसद में जाकर या फिर सांसद बनकर वो क्या करेंगे सोच कर देखिए। और जो अक्षय कुमार प्रधानमंत्री से इतना कठिन सवाल करते हो कि प्रधानमंत्री जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के लेते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा काट कर करेंगे कि चूस कर करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। आप जनता बस इतना ही ध्यान रखिए कि आप जिस पद पर जिस व्यक्ति को बिठा रहे हैं उसी पद के अनुसार काबिलियत देखिए। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक है, मेरे भी पसंदीदा कलाकार है। पवन सिंह के कुछ गाने मुझे भी बहुत पसंद है, उनकी आवाज बड़ी मधुर है। रवि किशन की एक्टिंग हिंदी फिल्मों में जबरदस्त होती है। मनोज तिवारी का गाना होली के समय यदि न बजे तो होली के आने का आभास ही नहीं होता, मगर इन सब के ये गुण राजनीति में आने और संसद में बैठने की काबिलियत नहीं रखते। घर बनाने वाला बढ़िया राजमिस्त्री बढ़िया खाना भी बनाता हो, इस बात की कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए सांसद या विधायक या फिर किसी भी राजनीतिक पद पर उसे ही बिठाइए जो उस पद के काबिल हो। पवन सिंह का गाना पसंद है तो जमकर उनका गाना सुनिए, लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए। अक्षय कुमार की एक्टिंग पसंद है तो उनकी एक्टिंग देखिए, मगर ऐसे लोगों के हाथों में देश का संविधान और संसदीय व्यवस्था को मत सौंपिए। और यदि मेरी यह बात आपको अतिशयोक्ति लग रही हो तो फिर इन ज्यादातर फिल्मी कलाकारों के राजनीतिक पदों पर बैठने के बाद इन्होंने इस देश के लिए क्या किया, क्या दिया, इसका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। यहां एक बात और स्पष्ट
स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने फिल्मी और पर्दे की दुनिया से निकलकर राजनीति में भी बढ़िया काम किया है। कम से कम वैचारिक रूप से उनके भीतर बहुत कुछ है, कुछ तो है जिससे इस देश का कुछ भला हो सकता है। कम से कम वो लोग समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय तो रख सकते हैं, कुछ बोल तो सकते हैं, आवाज उठाने की क्षमता तो रखते हैं। इनमें से एक नाम जावेद अख्तर का भी है। कुल मिलाकर आपका वोट आपका निजी अधिकार है, जहां चाहे प्रयोग करें लेकिन सोच समझ कर, मूर्खतापूर्ण नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।